हेलो एवरीवन, कल हमने क्रोमेटोग्राफी यानी स्पेक्ट्रो फोटोमीटर को डिस्कस किया था। आज हम जो बात करने जा रहे हैं सेंट्रीफ्यूज के इंट्रोडक्शन की बात करें तो जनरली सब्सटेंस के अलग अलग मासेज शेप एंड डेंसिटी होती है। थॉमस ग्राम ने 1861 में सभी सब्सटेंस को दो ग्रुप में रखा, एक तो क्रिस्टलाइट व दूसरा कोलोइड सॉल्यूशन। आने पर क्रिस्टलाइन का सेपरेशन एक परचमेंट मेम्ब्रेन द्वारा किया जाता है, जबकि कोलोइडल का सेपरेशन नहीं कर पाते। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार कोलोइडल सॉल्यूशन में एक कलेक्टरिस्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जिसे हायर पावर लाइट माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है, का डायमीटर 200 माइक्रोन होता है। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उन पार्टिकल्स को भी देख लेता है जिनका डायमीटर 10 माइक्रोन तक होता है। यदि एक सॉल्यूट में पार्टिकल्स का साइज 200 माइक्रोन से ज़्यादा हो तो उसे सस्पेंशन में माना जाता है। यदि ऐसे पार्टिकल्स के सॉल्यूशन को ऐसे ही रख दें तो अनडिजर्व्ड मैग्रेविटी के प्रभाव से भी तले पर आ जाते हैं। इसी प्रोसेस को सेडिमेंशन कहते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स सेडिमेंटल नहीं होते, वे फिल्टर किए जाते हैं और भी स्मॉल पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में भी नहीं रुक पाते, लेकिन वे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरते हैं जिसके लिए काफ़ी बड़े हो जाते हैं। जब ऐसे कोलोइडल पार्टिकल क्रिस्टलाइट से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिलेक्टिव डिफ्यूजन द्वारा अलग हो जाते हैं तो ये प्रोसेस डायलिसिस कहलाती है। और जब कुछ इलेक्ट्रोलाइट को इस प्रोसेस द्वारा रिमूव किया जाता है तो इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। यदि किसी सॉल्यूशन में कोलोइडल पार्टिकल्स को एक सूटेबल मेम्ब्रेन से प्रेशर के साथ फोर्स फोर्स किया जाए तो मेम्ब्रेन अल्ट्रा फिल्टर हो जाती है और कोलोइडल पार्टिकल्स का सेपरेशन हो जाता है। इसी प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। मेम्ब्रेन को तैयार करना जिनमें डिजायर्ड साइज के पोर्स हो, जिनमें से एक पार्टिकल साइज के कोलाइडल पार्टिकल स्मॉलर पार्टिकल से सेपरेट किए जा सके तैयार किया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजुगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करें तो एस वेडबर्ग ने सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए एक सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि सेंट्रीग्रेविटेशनल फोर्स से यदि फ्रैक्शन फोर्स अधिक लग होगा तो सेंट्रीफ्यूजन काफ़ी तेजी से होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वह रेट ऑफ वेलोसिटी जिस पर कोई पार्टिकल सेडिमेंट होता है वह जितना फोर्स लगाया जाता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ये कॉन्सेप्ट सेंट्रीफ्यूगेशन का सिद्धांत है। सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक को सैंपल जिसमें एक लिक्विड फेज हो और एक सॉल्यूट हो को एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रखकर सेंट्रीफ्यूज रोटर को घुमा दिया जाता है। इसके फलस्वरूप जो भी फोर्स उत्पन्न होता है उससे सेडिमेंट सॉल्यूशन से बाहर निकलकर ट्यूब के बेस पर जमा हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज। टाइप्स की बात करें तो अलग अलग पर्पस के लिए विभिन्न प्रकार के सेंट्रीफ्यूज मिलने लगे हैं जिन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। इनकी कुछ टाइप इस प्रकार है। नंबर वन बेंच सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज का यह मॉडल चीपेस्ट तथा सिंपलेस्ट होता है। इसका यूज ज़्यादातर क्लासरूम वर्किंग के लिए तथा राउंड रूटिंग पैथोलॉजी लेबोरेटरी में होता है। इनका यूज रैपिड सेडिमेंट मटेरियल एज पेथ्रोसाइट ईट सेल्स एंड अदर कोर्स पार्टिकल्स को आइसोलेट करने तथा उन्हें कलेक्ट करने के लिए होता है। जनरली उनकी मैक्सिमम स्पीड 4000 से 6000 राउंड पर मिनट होती है। इनका सेंट्रीफ्यूगल फील्ड 3000 से 7000 ग्रेविटेशन फोर्स होता है। मोस्टली मॉडल्स में एक
एम्बिएंट टेम्परेचर पर ऑपरेशन होता है। आजकल इसके कुछ ऐसे मॉडल्स आए हैं जिससे रोटर्स को ठंडा करने का प्रावधान है। मोस्टली मॉडल्स में एयर फ्लो होने पर टेम्परेचर को कंट्रोल कर लिया जाता है, और कुछ भी छोटे मॉडल्स जिन्हें माइक्रोफ्यूज कहते हैं मार्केट में आ चुके हैं, जिनका सिक्लेरेशन 8,000 से 13,000 राउंड ऑफ पर मिनट होता है। इनका RCF यानी रिलेटिव सेंट्रीफ्यूजल फील्ड 6,500 ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये क्विक सेडिमेंट टकने के लिए बहुत सूटेबल है और एक या दो मिनट में ही 0.25 to 1.5 per ml तक सेडिमेंटेशन कर सकते हैं। आजकल पैथोलॉजी लैब में ब्लड सैंपल्स का सेडिमेंटेशन इन्हीं के द्वारा लार्ज रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज ऐसे सेंट्रीफ्यूज 6,000 राउंड पर मिनट पर काम कर सकते हैं। इसके रिलेटिव सेंट्रीफ्यूज फील्ड 6,500 ग्राम तक प्रोड्यूस होती है। इनका रोटर चैम्बर रेफ्रिजरेटर होता है। ये स्विंगिंग टाइप या फिक्स टाइप होता है। इनका इंटरचेंज भी संभव है। इनमें 10 to 50 cm वाली ट्यूब्स आ जा सकती हैं। इनका यूज उन सब्सटेंस को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है जो रैपिडली सेडिमेंट हो जाते हैं, जैसे RBC, न्यूक्लियाई, क्लोरोप्लास्ट, यीस्ट सेल, बल्कि PPT आदि। इसमें जनरली ट्यूब्स को एक दूसरे के अपोजिट रखा जाता है। ऐसा करने का लाभ यह है कि इसका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट, हाई स्पीड रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें रोटर की स्पीड 25,000 पर मिनट से भी ज़्यादा होती है, इसलिए इनसे जनरली सेंट्रीफ्यूज फील्ड 6,000 to 60,000 से अधिक प्रोड्यूस होता है। हाई स्पीड को पाने हेतु इनकी टोटल लोड कैपेसिटी 1.5 लीटर तक होती है। इनमें भी इंटर चैम स्विमिंग ब्लॉक्स होते हैं। इनमें फिक्स्ड एंगल रोटर लगे होते हैं। जबकि इनकी स्पीड बढ़ाई जाती है तो फाइनल मटेरियल्स का सेडिमेशन तथा सेपरेशन जल्दी हो जाता है। इनका साइज, इनका यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म तथा सेल ऑर्गेनिज्म सेल डिवाइस प्रोटीन्स PPT को कलेक्ट करने हेतु होता है। लेकिन वायरस का कुछ स्मॉल सेल्स ऑर्गेनिज्म जैसे राइबोसोम्स का सेपरेशन उन सेंट्रीफ्यूज के द्वारा नहीं हो पाता। नेक्स्ट, कंटीन्यूअस फ्लो सेंट्रीफ्यूज। कंटीन्यूअस फ्लो सेंट्रीफ्यूज यह एक सिंपल हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज है। इसमें एक लंबा रोटर होता है। इसमें सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल्स का फ्लो कंटिन्यूसली 1 to 1.5 liter पर मिनट की से होता है। इनकी रोटर को इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। इसमें सस्पेंशन मीडियम जब रोटर में प्रवेश करता है तो सेडिमेंट उनकी दीवार पर कलेक्ट हो जाता है, जबकि क्लियर फ्लूइड ओवरफ्लो के रूप में एक आउटलेट के बाहर आ जाता है। इनका यूजनली बैक्टीरिया हार्वेस्ट आदि को कल्चर मीडिया से कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें मीडिया कोई लीटर तक हो सकते हैं। नेक्स्ट, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन 1923 में के आसपास सेप्टन स्वीडर ने नामक एक बायोकेमिस्ट द्वारा डेवलप किया गया। इसी का यूज करने से पहले करके उसने पहली बार ये बताया कि प्रोटीन होमोजीनस कंपोजिशन वाले मैक्रोमोलिकुल्स होते हैं। अब इस टेक्निक को न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स सबसेलुलर पार्टिकल्स के सेपरेशन के लिए भी किया जाने लगा है। इसमें स्पीड 60,000 से 1,00,000 के राउंड ऑफ पर मिनट होती है। हाई स्पीड होने के बावजूद इनकी टेक्निक्स
अत्यंत सेंट्रल होती है और लार्ज लेवल मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का सेपरेशन हेतु एक वैल्यूएबल मेथड मानी जाती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टू टाइप का होता है। नंबर वन प्रॉपर्टी अल्ट्रा फाइन सेंट्रीफ्यूज, इनका यूज सेपरेशन प्यूरिफिकेशन आइसोलेशन ऑफ सेल्स सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स पॉलीसोम्स राइबोसोम्स न्यूक्लिक एसिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स वायरसेस लाइकोपोरिड्स आदि हेतु किया जाता है। ये मॉडल्स में सिंपल सैंपल ऑफ द जमीन कल्टी फैसिलिटी नहीं होती है। इनमें रोटर्स में सिलेंड्रिकल सैंपल ट्यूब होती है जिसमें पैरेलल एक्सिस एंगुलर एक्सिस या रोटर एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं जिसमें आवश्यकता के अनुरूप एक्सिस का रोटेशन किया जा सकता है। इसमें मैक्सिमम स्पीड 8 पर मिनट होती है। इसमें सेंट्रीफ्यूज फील्ड लगभग 600,000 kg तक प्रोड्यूस की जा सकती है। इसमें एक रेफ्रिजरेशन यूनिट लगी होती है। टेम्परेचर को मॉनिटर करने हेतु एक IR सेंसर लगा होता है। इनमें एक ऑब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम भी होता है जो ज़्यादा स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें रोटर में एम्बुलेंस की क्रिया कंट्रोलिंग इलेक्ट्रॉनिक मेथड से होती है। इसमें रोटर मेंबर हैवी आर्मर प्लांटिंग में बंद होता है होती है। इनका यूज कई बायोलॉजिकल सेलुलर या सब सेलुलर कंपोनेंट्स आदि के आइसोलेशन सेपरेशन या प्योरिफिकेशन के हेतु होता है। ये इसका डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं ये रोटर है, ये स्टील बॉडी है, टेम्परेचर यहाँ पर देख सकते हैं, वैक्यूम, ये रेफ्रिजरेशन यूनिट है, ये सिलेक्टर यूनिट्स है। तो आज के टॉपिक में हमने बस ये डिस्क्रिप्ट किया। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।